तो साथियों आ गई है आपकी फिर से मंकी फन वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, बहुत मजा आएगा। ये बंदर यहाँ पे अकेला बैठा हुआ था और इसको देख रहा था। इसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मुझ पे अटैक ना कर दे, तो इसीलिए ये इंतजार करो। ये इसलिए इधर नहीं जा रहा था कि कहीं ये अटैक ना कर दे। तो इस असमंजस से ये दोनों बैठे हुए थे और ये जो है आफ्टर ऑल वहाँ से निकल ही जाता है। और ये मतलब ये सोचते हुए सोचते जा रहा है कि कहीं वो अटैक ना कर दे। ये उससे नज़रें भी नहीं मिला रहा है। अब ये वहीं पर बैठ गया है। अब वो वाला जो है वो पीछे चला गया है। अब ये वाला आगे जाएगा। साथियों वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि कुत्ते ने बंदर को डराने का प्रयास किया। अब ये यहाँ पर अकेला आके बैठ गया और इधर कुछ बंदर जो हैं बच्चों के साथ थोड़े मजे ले रहे थे, मतलब बच्चों को डराने का प्रयास कर रहे थे। वो सामने आप बच्चे भी देख सकते हैं और पेड़ पे ये रहे वो मंकीज बेबी हैं जो बच्चे को डराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों इसी पेड़ पर 24 आवर्स बहुत से बंदर रहते हैं। अब ये यहाँ जो साइड में बैठा हुआ था, अब ये वाला इधर के लिए आ गया है। ये इसकी वजह से, अब पहले वो बैठा हुआ था तो वो नहीं आ पा रहा था, अब ये इधर आगे बैठा है तो वो नहीं आ पा रहा है। इन बंदरों में ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है कंटिन्यू। साथियों अभी तक वो वेट कर रहा है, लेकिन अब आफ्टर ऑल वो उधर से ही कूद गया, मतलब इधर सामने से नहीं आया और बैट दोनों पास में गए हैं। अभी एक दूसरे के साथ फाइट के मूड में नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में जो उधर बैठा हुआ है वो फाइट के मूड में आ जाएगा, तब ये वाला फाइट के मूड में नहीं आएगा। इसी तरीके से कई फाइटें जो हैं वो टल जाती हैं। ये इधर बार बार दोनों इसलिए देख रहे थे कि इधर मंकीज बेबी जो हैं वो बार बार चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, तो इस वजह से ये वाला जाता है इधर देखने के लिए कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। और ये वाला भी थोड़ी देर चलता है और यहाँ पे आके बैठ जाता है, और तब तक कि वो वाला भी उधर से आ जाता है। ये देखिए ये आने के बाद थोड़ा सा इधर रेस्ट करता है, इधर उधर देखता है और फिर इधर आ जाता है। इधर थोड़ी देर के लिए बैठता है और बैठने के बाद जैसे ही ये उधर के लिए जाएगा, साथियों आप थोड़ा ध्यान देना, वो जो बैठा है पहले से वहाँ पे उसने फाइट का मूड बनाया था, ये वाला इसने फाइट का मूड बनाया था, लेकिन ये वाले ने इग्नोर कर दिया उस फाइट को। भाई कहा होगा भाई अबे हट जा चल जा यार, मेरा मूड नहीं है फाइट का भी। आई थिंक तो ऐसे ही कुछ कहा होगा, क्योंकि भाई इनकी लैंग्वेजेस जो है ना वो अपनी तो समझ नहीं आनी है, वो इनकी लैंग्वेजेस यही समझ सकते हैं। यहाँ पे ये साथियों दोनों उधर साइड में चले जाते हैं। उधर शायद एक फीमेल मंकी जो था उसके चक्कर में ये दोनों उधर चले जाते हैं। ये पेड़ की वजह से मैं इनको क्लियरली कैप्चर नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सा ये दिखेंगे सब। अब ये यहीं पर थोड़ा सा वेट करेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट, उसके बाद में ये तुरंत इधर आ जाते हैं पेड़ पर। एक जो पहले गया था वो आ गया है, अब जो दूसरा आएगा वो फीमेल मंकी के साथ में आएगा। ये देखिए आप दोनों आ रहे हैं उधर से। अब ये दोनों जो हैं इसी पेड़ पर चढ़ जाएंगे, इनका यही मतलब घर है, यही ठिकाना है, सब कुछ यही है, घूमते रहते हैं इधर से उधर। ये देखिए दोनों चले गए। अब इसी पेड़ के ऊपर से सामने उधर जो डाल गई है उसी छत से ये निकल जाएंगे दूसरी छत पे उधर के लिए। अभी आप देखिए वो डाल से जा रहे हैं और वो जो है छत पे निकल गए हैं। ये देखिए वो जा रहा है, अब ये निकल गया उधर छत पे, और ये इधर नीचे एक कुत्ता आ गया था
जो इस पेड़ पे बैठे मंकी को डराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ये मंकी जो है वो अपना पीपल के पत्ते खाने में मस्त था। इसे कोई मतलब नहीं था कि क्या कहाँ है, कौन कुत्ता है, कहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन फ्री होके अपने खाने से मतलब था। बार बार ये अपनी लोकेशंस जो है वो चेंज कर रहा था। ये देखिए अभी इसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है, दूसरी लोकेशन पे आ गया है। अभी जस्ट मतलब 2 मिनट के अंदर भाई साहब ये पता नहीं कितनी लोकेशन चेंज कर डालता है। इसे टेस्ट नहीं आ रहा होगा एक जगह पे, तभी दूसरी जगह का टेस्ट ले रहा है। तो यही जो है, अच्छा ये बंदर जो है वो शरारती तो होते ही हैं, आप सबको पता है। ये मतलब आपस में भी शरारत करते हैं बहुत ज़्यादा, बाकी उससे एक्स्ट्रा में भी। अब इसने फिर से लोकेशन चेंज की, अब ये उसके बाद में भी लोकेशन चेंज की। तो साथियों ये कंटिन्यू लोकेशन ही चेंज करता रहेगा। चलिए हम दूसरा कुछ देखते हैं। आगे एक बड़ा सा बंदर बच्चों को डराने का प्रयास कर रहा था, तब तो हम वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये बंदर जो है वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी बैठ जाता है आराम से। और इसके बैठने का आप स्टाइल देख लो, पहले मैं थोड़ा दूर से बनाता हूँ इसको। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग शूट करा है। इसके बैठने का स्टाइल देखो, एकदम से मतलब बिंदास शहंशाहों की तरह बैठता है। और ये साथियों जितने भी बंदर हैं, मतलब अभी रिसेंटली कुछ और भी बाहर से जाने कहां से आ गए थे, अभी कुछ दिन पहले तो कम थे, और ये जो है अभी भी लोकेशन ही चेंज कर रहा है अपनी, बताओ। और अब इनका साथियों टाइम हो गया है निकलने का। अब ये धीरे धीरे उसी पेड़ से एक एक करके बंदर निकलते रहेंगे गांव के अंदर की ओर, एक एक करके निकलते रहेंगे। ये सरगना है, अब ये जो है दूसरा आ रहा है, बाकी के उधर से निकल रहे हैं, कुछ 3-4 जगहों से निकल जाते हैं। अब ये जो है ये इधर से जा रहा है, अब एक जो है उधर से जा रहा है। तो साथियों इनका यही सब चलता रहता है। एनीवे हम आपके लिए रोज एक नई वीडियो लाते रहेंगे बंदरों की इंटरेस्टिंग वाली, आप सब वीडियो में लास्ट तक देखते रहना बस। तो साथियों वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और अगर कुछ भी आपको अलग से देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।